तो दोस्तों थंबनेल देख के आपको एक अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, प्राइस एक्शन पे काम कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक। जिसका यूज आप ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल या पुट के लिए कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जहां भी चार्ट पैटर्न बने आप वहां पे इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से सपोर्ट लाइन बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस गिरी, सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा अप हुआ, फिर थोड़े देर बाद फिर गिरती है, उसके बाद फिर अप होगा, देखना। फिर से प्राइस अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर से सपोर्ट लिया और फिर एक अपसाइड में गया, फिर डाउन साइड आएगा और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो वहां से आप देख सकते हैं नीचे के साइड गिर गई मार्केट। तो बेसिकली दोस्तों सपोर्ट होता क्या है, जहाँ से शेयर की प्राइस गिरना बंद हो जाती है। आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस एक बार सपोर्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, सपोर्ट ले रही है, फिर ऊपर आ रही है, तो वो जो लाइन बन रही है उसको बोलेंगे हम सपोर्ट। तो आइए फटाफट देखते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दोस्तों वो होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी इसका प्राइस फर्स्ट पे इसका प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया, फिर दूसरे पे भी नहीं गया, तीसरे चौथे पे भी नहीं गया, तो ये जो लाइन बनी है ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस की, तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन जो बनी है वहाँ तक ऊपर जा रही है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो वो उसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या हैं, कैसे बनते हैं, तो अब देखते हैं इनका यूज करके हम लोग अर्निंग या प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो आते हैं थ्री टच सपोर्ट स्ट्रेटजी, जिसमें शेयर का प्राइस तीन बार बॉटम को मतलब सपोर्ट को टच करेगा, चौथी बार में ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद आप शॉर्ट की तरफ या फिर आप पुट की तरफ एंट्री ले सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। तो अब देखेंगे हम रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी क्या है, जिससे आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस में इस स्ट्रेटजी में थ्री टच रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी होती है। इसमें हम शेयर को तब बाई करेंगे जब शेयर की कीमत जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को तीन या चार या पांच मतलब मिनिमम तीन बार रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद ऊपर की साइड, समझ रहे हो ना, नीचे साइड नहीं ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट मिलेगा जब हम लोग को, तब हम उसको बाई करेंगे। और वहां से इतने चांस रहते ना, मतलब अच्छे चांस हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा और आप अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप बोलोगे कि इसके थोड़ा बहुत एग्जांपल दिखा दो, तो चलो मैं दिखाई देता हूँ रेजिस्टेंस के एग्जांपल और सपोर्ट के एग्जांपल दिखाई देता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ बेसिक एग्जाम्पल, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थ्री टच सपोर्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन। तो जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं, प्राइस फर्स्ट टाइम सपोर्ट लाइन से टच हुआ, ठीक है, लेकिन वहां से सपोर्ट लाइन को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, फिर सेकंड टाइम हुआ फिर भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फिर थर्ड टाइम टच हुआ। वैसे हमारे रूल के हिसाब से थर्ड टाइम में अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, चौथी बार में मिलेगा तब भी हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, इसकी वजह से फोर्थ टाइम में जब हुआ तो एक रेड कैंडल बनी है और रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप ऐसा लगा के और लो से अबव मतलब हाँ सॉरी लो के नीचे मतलब ग्रीन कैंडल के ऊपर ऐसा रहेगा, ग्रीन कैंडल के नीचे आपका एंट्री प्राइस रहेगा और 1:2, 1:3 आप टारगेट ले सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस के साथ। अब जब जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप अपने एसएल को ट्रेल करना सिखाएंगे, वो चलो एक एडवांस लेवल चीज़ है, वो आपको अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। फॉर बिगनिंग आप 1:2, 1:3 लेके चलिए। तो देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसमें इस चार्ट में आप देखेंगे काफ़ी टाइम प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट करीब 7 या 8 बार टच होने के बाद, चलो मैं गिन के बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट टाइम्स के बाद ब्रेकडाउन मिला है और अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी 3 या 3-4 से ज़्यादा भी लग जाता है, टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस है तो अभी बेसिक पे रखते हैं, आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इतना समझ लो कि 3 या 3 मिनिमम होने चाहिए और 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम कुछ रेजिस्टेंस के भी एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपके दोनों साइड के डाउट आराम से क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं हम अपने पहले एग्जांपल की तरफ। आप इस चार्ट में देख सकते हैं प्राइस ने पहली बार टच किया, फिर सेकंड टाइम किया, फिर थर्ड टाइम किया, फिर फोर्थ टाइम किया, फिर फिफ्थ टाइम किया, लेकिन छठवीं बार जब किया तो थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है गाइस। ब्रेकआउट कन्फर्म करना भी बहुत जरूरी रहता है, तो वो कैसे किया जाता है वो किसी और वीडियो में बताएंगे, ये थोड़ा बेसिक वीडियो है तो इसमें फालतू बातें फालतू नहीं है, मतलब है तो जरूरी लेकिन ये एडवांस चीज किसी और वीडियो में बताएंगे, किसी एडवांस वीडियो में, ये थोड़ा बस समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सिक्स टाइम जब ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट था, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया वहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया एक जोन में, लेकिन आई थिंक इसके आगे के चार्ट में वो ऊपर जाएगा, मेरे पास यहीं तक का चार्ट था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। पिछले एग्जाम्पल में दोस्तों मैंने बोला था जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल में हम लोग को ब्रेकआउट मिले, मतलब तीन बार में ब्रेकआउट मिल जाए, ब्रेकआउट मिल जाए,
देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम किया, आगे और भी करेगा, हो सकता है 5 बार करे, 6 बार करे, तब ब्रेकआउट जाके वो अपसाइड को मिले। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर बार में, मतलब हर तीसरी बार में आपको ब्रेकआउट मिले, आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ ब्रेकआउट जरूर मिलेगा। और जब ब्रेकआउट मिलेगा तो उसका रिटेस्टिंग के बाद आप उसको एक लॉन्ग एंट्री या फिर वन विगनर है तो 1:2:3 जो भी आप तो अच्छा अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से जो अच्छा बैठे वो आप देख सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं और आप इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं भी मैसेज कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और बाकी की वीडियो भी देख के आप अपना सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखना, वो देखना ना भूलना, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक 60 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा।